हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपके पास कोई भी कॉपी है उसको इस प्रकार से पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आपके पास कोई फोटो है उसे इस प्रकार से पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ये ऐप आपके फ़ोन में पहले से ही रहता है। दोस्तों, उस ऐप से इजीली दोस्तों इस प्रकार से किसी भी दोस्तों नोट्स को आप कॉपी दोस्तों कॉपी को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके पास कोई भी फोटो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली, तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पीडीएफ फाइल बनाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली दोस्तों आपके फ़ोन में एक ऐप मिल जाएगा, जो कि दोस्तों सभी ऐप में दोस्तों फ़ोन में ऐप रहता है। तो यह ऐप मिलेगा ड्राइव नाम से मिलेगा। सिंपली दोस्तों आपको इसे ओपन कर लेना। दोस्तों, एक ड्राइव नाम से मिल जाता है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना है, सिंपली दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना। जैसे दोस्तों प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ क्रिएट न्यू, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है कैमरे वाला आइकन एंड मिल जाता है स्कैन। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, अपना नोट्स को ओपन कर लेना। जो भी आपकी कॉपी है, जिस भी फ़ोटो को आप करना है, सिंपली दोस्तों आप उस फोटो को जो है आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको टिक कर देना है या फिर कन्फर्म लिखा मिलेगा, सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये ऑटोमेटिक दोस्तों क्रॉप हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहला पेज हो गया। अब दोस्तों हमें दूसरा पेज लेने के लिए आपको करना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिला, सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों प्लस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों दोबारा कैमरा ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको दोबारा भी फोटो क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेम प्रोसेस करना है, दोबारा आपको टिक कर लेना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको तीसरा भी फोटो लेने के लिए सिंपली इसी प्रकार से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको तीसरा भी फोटो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा कन्फर्म कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जितने चाहे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 10, 20, 50, 100 फोटो दोस्तों क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना है सिंपली सही वाले आइकन पर क्लिक करना है, यानी सही का निशान मिलेगा, सिंपली आपको इस पर टिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ डॉक्यूमेंट्स टाइटल। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली जो भी दोस्तों यहाँ पर आप नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको अभी नेम रखना है, सिंपली यहाँ से आप दोस्तों इसकी टाइटल रख सकते हैं, नेम रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी शो हो जाएगी, जिस जीमेल आईडी के ड्राइव पर डाउनलोड होगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपको नेम सेट करने के बाद नेम जो भी टाइटल रखना है टाइटल रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली दोस्तों आपको सेव पर क्लिक करना। तो जैसे दोस्तों आप सेव पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये फाइल जो है कुछ ही समय में अपलोड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं अभी ये फाइल हमारी जो है अपलोड हो रही। तो दोस्तों जब तक अपलोड हो जाती है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से फाइल ओपन हो रही, दोस्तों देख सकते हैं। एंड दोस्तों अब इसे आप किसी के पास शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉट मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करना। और दोस्तों सिंपली आपको शेयर पर क्लिक करके दोस्तों आप किसी के पास इसे शेयर भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों खुद भी कभी भी देखना चाहते हैं दोस्तों इसी एप्लीकेशन में आकर इसे दोस्तों आप देख सकते हैं और दोस्तों आप इसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।